बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड ब्यूटी विद तनीत में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बहुत ही जबरदस्त जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पनीर के गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, गुलाब जामुन ड्राई मिल्क के भी बनते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको जरूर दूंगी। लेकिन जो बहुत ही जबरदस्त बनते हैं वो है पनीर के गुलाब जामुन। पनीर आप बाजार से भी ला सकती हैं, लेकिन अगर आपका घर में भी दूध अगर फट जाता है तो उससे जो आप पनीर निकालती हैं तो उससे भी बहुत ही मजेदार और आसानी से गुलाब जामुन बन सकते हैं। तो आप उस दूध को जाया मत कीजिए। तो आज मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए उस तरीके से आप गुलाब जामुन बनाएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो ये देखें, तकरीबन एक बड़े बाउल के करीब तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध से जितना पनीर निकले। तो ये मैंने पनीर निकाल के 3 से 4 घंटे के लिए आप देखें मैंने छाननी में रख दिया और बिल्कुल इसमें से पानी निकल गया। आपने ख्याल रखना है कि पनीर में पानी बिल्कुल ना हो। उसके अलावा अब जो इसमें हम चीजें इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच जो है खाने का, 1 खाने का चम्मच हम खुश्क दूध इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच हम बारीक वाली सूजी इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे और 1 से 1.5 टीस्पून जो है हम इसमें कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे, 2 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा इस्तेमाल करेंगे और 1 पिंच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 1 पिंच ये हम इसमें डालेंगे। और इसका जो इसकी जो चाशनी बनानी है उसके लिए देखें 1 कप चीनी और 4 से 5 सब्ज इलायची हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम चाशनी के लिए पानी रख देते हैं, तो फिर इसके बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने तकरीबन 3 कप पानी रख दिया है और इसमें हम ये चीनी और सब्ज इलायची साथ ही डाल देते हैं और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह रहने देते हैं जब इसकी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और ये बिल्कुल थिक सा एक इसकी लहर सी बन जाए, चाशनी सी बन जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो उस वक्त तक जब तक ये चाशनी तैयार होती है तो चले हम अपने गुलाब जामुन बनाते हैं। हमने एक खुले बर्तन में पनीर डाल दिए। सबसे पहले आप पनीर को 2 से 3 मिनट तक पहले इसको हाथों की मदद से बिल्कुल इस तरह मसल दें, इस तरह इसको हमने एक आटे की शक्ल बनानी है इसकी। देखिए ये तकरीबन बारीक हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इसमें मैदा ऐड करते हैं और इसमें सूजी डालते हैं। ये दो चीजें डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह मसल लेते हैं, इस तरह। साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं और ये जो मैंने आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बताया था इसको भी हम डाल देते हैं। अब इसको फिर 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छे तरीके से इसमें बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर, मैदा, खुश्क मिल्क सब कुछ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब पहले हम इसमें 1 चम्मच कंडेंस मिल्क मिला देते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और 1 चम्मच साथ हम घी भी डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी डो नरम लगे तो आप इसमें 1 टीस्पून मैदा और थोड़ा सा ड्राई मिल्क इसमें ऐड कर दें तो ये डो जो है आपकी सख्त हो जाएगी। ये देखें थोड़ा सा हम 1 टीस्पून इसमें मिल्क पाउडर और ऐड कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क डालने से थोड़ा सा ये नरम हो जाता है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह मसल लेते हैं ताकि ये सारी चीजें यकजान हो जाए। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के इसके छोटे छोटे जो है जामुन बना लेते हैं बॉल्स। ये देखें, कोशिश करें कि थोड़े आप छोटे साइज के रखें, फूल के बड़े हो जाते हैं फिर। ये इस तरीके से बिल्कुल आपने इसके इस तरह गोल गोल बनाने हैं और बिल्कुल इनमें क्रैक नहीं होना चाहिए। देखें इस तरीके से
ये थोड़ा सा अपने हल्का सा अपने हथेली पे ऑयल लगाए, इस तरीके से इसको आप गोल करती जाएं। आप इसकी शेप कोई भी रख सकते हैं, लंबी भी रख सकते हैं इस तरीके से, अगर लंबी रखना चाहें तो थोड़ा सा आप ये शेप भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसके सारे बॉल्स बना लेते हैं। हमने इसके 10 से 12 जो है बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। हमारा गर्म हो चुका है और ये ख्याल रखना है अपने कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म ना हो, वरना हमारे गुलाब जामुन जो है वो ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। बस हल्का गर्म आप रखें। एक साइड से हल्के से गोल्डन हो तो फिर आप इनको दूसरी साइड पलट लें। एक साइड से ये हल्के हल्के गोल्डन हो रहे हैं, आपने चम्मच से बहुत ही आराम से इनको इनकी साइड जो है वो पलट देनी है। जब दोनों साइड से ये गोल्डन हो जाए तो फिर इनको हम निकाल लेंगे। देखिए इनका प्यारा सा गोल्डन कलर हो चुका है। आपको कैसा कलर चाहिए, थोड़ा डार्क या लाइट, तो फिर इसको आप उतार लें। मेरे ख्याल से हमारा मनपसंद कलर हो चुका है तो इसको हम अब निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आराम आराम से आप इनको निकालती जाएं, इस तरीके से। बाकी की जामुन भी हम इसमें तल लेते हैं, उनको भी आराम से डाल लेते हैं। और जो हमने निकाल दिए हैं उनको हम अपनी चाशनी में डाल देते हैं, क्योंकि हमारी चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें इस तरीके से डालते वक्त भी आप हल्का सा हाथों से इनको गोल कर लिया करें, इस तरीके से। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम अपने सारे गुलाब जामुन जो है वो आराम से इसमें डाल देते हैं। गरम गरम चाशनी में आपने डालना है, हल्का सा चूल्हा जल रहा हो बीच में। तो बस तकरीबन ये आधा घंटा या एक घंटा इसमें इस तरह पड़े रहें तो बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगे। तब तक हम बाकी के जो हमारे गुलाब जामुन है उनको निकाल लेते हैं। ये हमारे बहुत ही जबरदस्त गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं। हमने इनको प्लेट में निकाल लिए। आप देखें बहुत ही ज्यादा मजे के बने हैं। तो आप भी इनको जरूर बनाएं। कोई भी आपके घर का फंक्शन हो, ईद हो या कोई भी ऐसा मौका हो तो आप इनको घर पे बनाएं। बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। ये देखें बहुत ही ज्यादा नरम नरम और बहुत ही मजेदार हैं। ये देखें, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल कुकिंग एंड ब्यूटी विद तनवीर को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।